डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप पार्ट 8 राउंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 7 तक बेसिक कंसेप्ट के साथ डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में हमने देखा, और जैसा कि आज हमने पहले पूछा कि आपका कोई डाउट है, 7 तक तो कोई डाउट नहीं था, बहुत अच्छी बात है। और चलिए, आप सभी जुड़े हुए NIBM रांची के YouTube लाइव क्लासेस में। निश्चित रूप से इस क्लासेस को वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, जो स्टूडेंट नहीं क्लास में ज्वाइन कर पाए हैं और सारे स्टूडेंट के लिए वो देख सकते हैं इसे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हों निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सके उसके लिए। और रोशन कुमार ने लास्ट क्लास में कमेंट किया था, मैंने क्लास देखा, बहुत अच्छी बात है। और जी सर, हाँ वो भी कमेंट, पता जब पढ़े थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वहाँ जाकर क्लियर कर रहे थे सारा वीडियो, फिर से देख के फिर से प्रैक्टिस करें, तो थोड़ा बहुत कमेंट जरूर लिख देना जिससे पता चले कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई बताना चाहेंगे? 1872, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे बोला है। थोड़ा सा भी डाउट किने का हो तो बोलिएगा, मैं क्लियर करता हूँ तुरंत, बतलाने यस सर कर दीजिए, ठीक है, ध्यान देंगे। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस टुगेदर एज हुज प्रिंसिपल इज टेकन फॉर 4 मंथ। ए का प्रिंसिपल, ए ने अपने प्रिंसिपल को 4 महीने तक रखा, टी के जगह पर रख दिए। सारे क्वेश्चंस में हमको P1, T1 ही प्लेस रखने हैं, बस सबको पता है कि प्लेस कहाँ है और कहाँ पर क्या रखना चाहिए। तो टाइम दिया हुआ था तो हमने लिख दिया 4 मंथ के लिए ए किया था। और उसके बाद कहता है टुक 3/8 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जान दो 8 जो नीचे है, एक बार हमने समझा दिया था, नीचे जो है वो क्या है, टोटल को बताता है। नीचे टोटल है मतलब टोटल 8 है, उसमें से 3 मिलता है किसको, ए को। तो हम 3/8 नहीं लिख के डायरेक्ट 3 लिखते हैं, तो बाकी 5 बच गए 8 में। अब 8 में से 3/8 था, 8 टोटल हो गया, 8 में 3 ए ले लिया, तो रेस्ट बच गया, वो कौन लेगा, बी लेंगे। बी इन्वेस्ट 1560, अच्छा 1560 रुपया के बी के जगह कहता है, और फॉर 8 मंथ, टाइम भी दिया हुआ है बी का 8 मंथ के लिए। देन फाइंड आउट मनी ऑफ इन्वेस्टेड ऑफ ए, ए कितना रुपया इन्वेस्ट किया वो निकालना है आपको, बस ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन यही थे। और सबका जो हम पहले से हम सीखे थे P1, T1, P2, T2, उसके जगह वैल्यू खोजते गए क्वेश्चन में, कहाँ पर दे रहा है रखते चले गए। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है तो रख दिए, 3/8 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी बच जाते 5/8। तो आप समझ गए, तो लिखने में टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, बस सॉल्व करने हैं आपको। तो आप देखते हो 5 से कट जाएगा, 3, 1, 2 और 4 से ये डिवाइड हो जाएंगे 2 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो पी का वैल्यू निकालना है, तो पी का वैल्यू कितने हो जाएंगे, इधर है 312 × 2 और इधर 3 है, तो क्रॉस 312 × 6 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 1872। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिनका भी डाउट था वो क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। यस सर, ठीक है। 32 नंबर, 32 का आंसर क्या है, बतलाएंगे कोई? 240। रिया का आवाज है प्रकर, सबका 240 आ रहा है, डाउट भी होंगे थोड़ा सा, क्या डाउट है? यस सर, चलिए देखते हैं। ए स्टार्ट बिजनेस विद 600, 600 रुपया लगाया। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद बी इन्वेस्ट 300, ठीक है। After 6 month, both invest 300 more. After 6 month, यहाँ confusion होता है कि 3 महीने के बाद ये कह रहा है after 6 month, क्या शुरू से 6 month के बाद या इस 3 month के 6 month के बाद। तो ध्यान दो, तो दो बार आए हैं time, तो इसका मतलब ये starting से 3 month, उसके इस 3 month के बाद की बात हो रही है, right ना? तो यानी कि 3 month के बाद 6 month, ठीक है। After 6 month, both invest, ओके नहीं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से यानी कि 3 महीने तक बी ने इतना लगाया और इसका भी ये 6 महीने तक ये रहा, और इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने 300 रुपया ऐड किया, तो इसका रुपया कितना हो गया 900 और इसका रुपया कितना हो गया 600। या ध्यान देना एक बार, कन्फ्यूजन जो भी था, यहाँ पर 3 महीने के बाद बी आया और 6 महीने के बाद, इसके 6 महीने बाद नहीं, टोटल स्टार्टिंग से जो था उसके 6 महीने के बाद दोनों ने क्या किया, पैसे इन्वेस्ट किया। तो ए 600 किया था, 3 महीने के बाद बी आया, 300 रुपया लगा, 6 महीने के बाद मतलब कि 3 महीने तक इसका ये रहा, और 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने के बाद आया है तो 6 महीने के बाद गलत 3 ही महीने तक रहा, बाकी शुरू से 6 मंथ ये रहा। अब 6 मंथ के बाद 900 रुपया इसका है, 600 रुपया इसका है। एट द एंड ऑफ 18 मंथ, 18 महीने की बात कर रहा है, तो 18 महीने में 6 महीने तक तो हो चुका, अब 18 महीने के बाद बचे कितने टोटल, अब 6 महीने के बाद 12 मंथ बचा, और इसका भी क्या है 12 मंथ बचा।
ओके कैलकुलेट दैट गेट्स रुपीज 370 एज ए प्रॉफिट, कौन पाता एट द एंड ऑफ 18 मंथ गेट्स 375, यानी अलग अलग नहीं कह रहा है कि यानी दोनों मिला के कितना पा रहा है प्रॉफिट 375, जिसमें ए का क्या है वो फाइंड करना है, राइट। अब देखिए इतनी बातें, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन को हमने सिर्फ पुट किया, अब देखिए सबको ऐड करेंगे तो जीरो हम यूं ही छोड़ देते हैं, सब में डबल डबल जीरो है, तो 6 इंटू 6 यहाँ क्या हो गया 36, 9 इंटू 2 9 इंटू 12 कितने हो गए 108, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 144, और 3 इंटू 3 9 हो गया और 72 हो गए, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 81, इसका रेशियो निकालेंगे 9 दोनों में कॉमन है तो 16 इज टू क्या हो गया 9, 16 प्लस 9 मिलकर कितने हो रहे हैं 25, बट टोटल कितने हैं 375, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए 25, 12 एंड 3 कितने हो गए 15, 1 इज इक्वल टू 15 हो गए, ए का रेशियो क्या है तो ए का रेशियो ए और बी, ए और बी, ए का रेशियो कितने हैं 16 है, तो 16 इंटू 15 कितने हो जाएंगे 240, क्या जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया, समझ गए होंगे, और 240 बिल्कुल सही जवाब है जिनका जिनका आया था पहले से। तो सिर्फ ए का निकाले हैं, टोटल 375 था ए और बी मिलाकर, तो इसमें ए का कितना, तो अगर ए और बी का रेशियो निकाले थे तो ए का रेशियो कितना था 16 और बी का रेशियो 9 था, तो टोटल 25 में ए को 16 मिलेंगे, लेकिन 25 बराबर अगर 375 है तो 1 इज इक्वल टू 15 हो गए, तो 16 किसके बराबर होगा 16 इंटू 15 राइट 240। सर इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स बी इन्वेस्ट, मतलब सर 18 में से 3 महीने बाद बी इन्वेस्ट किया। हाँ ठीक है, तो 15 महीना तक बी इन्वेस्ट किया, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल सही बात है, तो 15 महीना में तो 3 महीना तक तो इसका 15 महीना में 3 महीना तक इसका 300 रुपया रहा, क्यों 3 महीने तक, 6 महीने के बाद उसने क्या किया था पैसे को और ऐड किया था, तो 3 महीने के बाद भी आया 300 रुपया लगा के, तो 3 महीना तक उतना ही रखा क्योंकि 6 महीने के बाद पैसे 300 रुपया दोनों ऐड कर दिया था, ठीक है, तो 3 महीना ये हो गया, 15 महीना में से बाकी बच गया इसका तो 12 महीना हो गया, ठीक है, और ए 18 महीने तक लगाया था, 6 महीना तक उतना रुपया था, 6 महीना के बाद 300 ऐड किया तो बाकी 12 महीने बच गए, क्लियर है या फिर समझा, बोलिए सर और एक बार समझा दीजिए, टाइमिंग का समझ नहीं आता, कोई बात नहीं तुरंत सर मंथ्स का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यस होता है, अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, तो कहता है ए स्टार्ट बिजनेस विद 600, मतलब शुरू से है 6 महीना स्टार्ट किया, वहाँ 6 महीने ने 600 रुपया स्टार्ट किया, अब 3 महीने के बाद बी आया और 300 रुपया लगाया, ठीक है, अगर यही कहता तो इसका ये 3 महीना हो जाता और इसका अभी स्टार्टिंग करता बी, लेकिन कहता आफ्टर 6 महीने बाद, मतलब क्या ए शुरू से 6 महीने तक 600 रुपया लगाया है और बी 6 महीने में, तो 3 महीने के बाद ही आया तो 3 ही महीने तक लगाया, क्या 6 महीने तक समझ में आ गया, 6 महीना तक रहता तो स्थिति यही रहता, अब 18 महीने के अंत में कह रहा है, तो 18 महीने में 6 महीना के बाद 6 महीना तक तो पता चल चुका है, अब 6 महीना के बाद बच गए 12 महीने, तो अगला 12 महीने तक बी का क्या है, अगले 12 महीने तक ए का क्या है, तो दोनों 300 रुपया क्या करता है ऐड करता है, राइट, तो इसका 900 रुपया हो गया और इसका कितना हो गया 600 रुपया हो गया, अब दोनों को ऐड कर दो, बस दोनों का रेशियो निकाल लो, ऐड करने में क्लियर लग रहा है 36 है और क्या है 108, दोनों को ऐड करेंगे तो 144 हो जाएंगे, और इन दोनों को 3 इंटू 3 9 एंड 72 क्या हो गया 81, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों में 9 कॉमन है तो 16 इंटू क्या हो गया 9, दोनों का सम 25 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 375, तो ये 25 इज इक्वल टू 375, तो आप देख रहे हो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 15 टाइम्स, तो ए का पूछता है तो ए का तो ये है, बी का ये है, तो ए का पूछ रहा है तो 16 इंटू 15 240, जो भी टाइम का डाउट था क्लियर हो गया, अभी सर एक चीज पूछना था, बोलिए तो जैसे बी में बोला है कि 3 मंथ्स के बाद 300 इन्वेस्ट किया, तो 3 मंथ्स के बाद किया तो सर तो फिर 3 इंटू कैसे करेंगे, फिर 9 ना इंटू होगा सर, 3 महीने के बाद से ना उसका 300 जोड़ाएगा, देखिए आपने कहा, आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा, टोटल बिजनेस 18 महीना चला है, ठीक है, जिसमें कि बी क्या किया है 3 महीने के बाद आया, ठीक है, तो बी तो 15 महीना तक लगाया है पैसा,
क्या? और बी ने क्या किया है, 6 महीने के बाद 300 रुपया बढ़ा दिया, तो बी क्या किया, बी स्टार्टिंग से 3 महीना के बाद 300 रुपया लगाया, तो 6 महीने के बाद मतलब 3 महीना के बाद आया, तो 3 ही महीना तक पैसा लगाया 300 रुपया, उसके बाद 300 बढ़ा दिया तो 600 हो गया, तब टोटल 15 महीना तक लगाया था, तो 3 महीने के बाद बाकी 12 महीने बच गए उसके, राइट ना। तो बी कंडीशन ये है जो कि यहाँ पर देख रहे हो, क्लियर है? ठीक सर, सर समझ गए होंगे क्या? फिर से रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, डाउट हुआ होगा तो। 33 का आंसर क्या है बताएंगे? 5/8 है, लेकिन इसमें सर डाटा सेट इनसफिशिएंट है क्योंकि रुपीस नहीं दिया। अगर रुपया में ऑप्शन होगा, रुपया में अगर ऑप्शन पूछा जाएगा तब जाके डाटा इनसफिशिएंट होगा, अगर ऑप्शन 5/8 है तो बिल्कुल सही हो जाएंगे क्या, राइट? ओके सर, अगर रुपया में पूछेगा तब जाके। चलिए जरा देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। 2 पर्सन ए एंड बी हायर ए फील्ड, FIELD, ठीक है ना, एंड हायर ए फील्ड 12 हॉर्स फॉर 5 मंथ। ओके, 12 हॉर्स फॉर 5 मंथ ऑफ ए, ओके, एंड 3 हॉर्स एंड 5 काउज कह रहा है, 3 हॉर्स एंड 5 काउज, यूनिट डिफरेंट हो गया। ओके, फॉर 6 मंथ ऑफ बी, इफ फूड टैक्स 3 हॉर्स इज इक्वल टू 5 काउज, यानी 3 हॉर्स जितना खाते हैं उतना 5 काउ खाते हैं इन वन डे, फाइंड आउट द रेंट पेड बाय ए, तो रुपया में नहीं दिया हुआ है तो ए रेशियो में निकाल देंगे। अब देखो ना, यूनिट यूनिट दोनों का सेम करना है, पहली बात ध्यान देना, यूनिट क्या होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 5c इज इक्वल टू 3h है, ठीक है, तो यहाँ पर c के जगह हम क्या कर दें, 3h रख दें, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 5c बराबर कितने हैं, 3h है। तो पहले से भी h इधर था, h इधर है, h इस सी को काउ को h में कन्वर्ट किए, दोनों मिलकर कितना हो गया, 6h हो गया। अब दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 6h से ये डिवाइड हो जाते हैं, तो इधर बच गया 2 और इधर क्या हो गया, 3 हो गया। तब इस लेफ्ट साइड बच गया 5 और इधर क्या बच गया, 3। तो 5:3 है, जिसमें ए को कितना मिलेगा, तो 5 और 3 मिला के कितने हो रहे हैं, 5+3 मिलकर टोटल 8 हो रहे हैं। 8 अगर रुपया टोटल पे करना पड़ता तो ए को 5 रुपया पे करना पड़ता, 8 में से 5। अगर ऑप्शन परसेंटेज में होता तो हम दे सकते थे 100 को मल्टीप्लाइड करके, 2 times 4 = 25। हाँ हाँ, तो 1, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 4 2 times 25, राइट ना, 100 कितना हो जाता आपका परसेंटेज में, 72.5, यही क्या, ठीक है, जो कैलकुलेट करके जो भी आते वही आपका आंसर था, 72 हो रहा है कि 25 into 5 कितना होगा, 125 ना, तो नीचे 2 बचा है ना, कटेगा ना, हाँ, तो 62.5 आ रहा है, 62.5 हो जाएंगे, 72 नहीं, 62.5, यस क्या, कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ पेन स्लिप ऑफ माइंड हो जाते हैं, बात तो समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट, आगे बढ़े या फिर से एक बार बता दो, तो फिर से एक बार बता दीजिए, श्योर, ध्यान दें, कुछ नहीं है फिर से, लेकिन एक बार हम चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है 2 पर्सन, तो ए है और कौन है, बी है। ए अपने एक भाड़ा पर लिया है, 12 हॉर्स को चलाता है, 5 मंथ तक रखता है, लेकिन बी क्या करता है, 3 हॉर्स के साथ 5 काउज को भी लाता है, ठीक है, और कितने महीने तक रखता है, 6 मंथ तक। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 हॉर्स कितने के बराबर है, 5 काउज के, यानी 3 हॉर्स बराबर 5 काउज है, तो 5 काउज के जगह 3 हॉर्स है, तो यहाँ पर जो 5 काउ है उसके जगह पर हम 3 हॉर्स रख सकते हैं क्या, ये बताओ, जिनका डाउट था ये समझ में आ गया। अब 3 हॉर्स + 3 हॉर्स मिलाए कितने हो गए, 6 हॉर्स ये हो गए। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 6 हॉर्स यहाँ 12 हॉर्स को 2 बार में डिवाइड कर देगा, 2 और इधर क्या हो गया, 3, तो ये रेशियो बच गए 5:3। तो टोटल अगर 8 होता तो जिसमें ए को कितना पे करना पड़ता, 5 रुपया, तो ए का पेमेंट पूछ रहा है, तो 5/8 अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन में है तो ये राइट आंसर होंगे, अगर ये परसेंटेज में है तो 5/8 इंटू क्या कर देंगे, 100, राइट, 4 2 times 4 25 into 2 125 by 2 = 62.5%, अगर परसेंटेज में ऑप्शन होता तो, और रुपया में होता तो आंकड़े अपर्याप्त है, अगर रुपीज में देता तो डाटा इज नॉट सफिशियंट, डाटा इनसफिशियंट, राइट, आगे बढ़े।
34 नंबर बनाए होंगे, 34 का आंसर क्या? 1200 डाउट है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ कहता है ए है, बी है और कौन है, सी। स्टार्ट बिजनेस टुगेदर इन्वेस्टिंग 2400 3300 4800 ए टेक्स 1/8 शेयर एज ए वर्किंग पार्टनर, ऐसा क्वेश्चन पहले भी यूज़ किया था, 8 में से एक, तो हम 1/8 मान लेते हैं, वर्किंग पार्टनर के रूप में ए एक्स्ट्रा लिया है और आगे भी लेगा पैसा, तो बाकी बच गए 7/8, इसको कैसे ले रहा है, तो इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग ले रहा है। तो हम देखते हैं 3 सब में कॉमन है, तो 8:3 है तो 8:11 राइट, और इस टू क्या हो गया 16, बस अब रेशियो नहीं कर सकते हैं, तो इनको ऐड करते हैं तो हो रहा है 35। 35 इज इक्वल टू 7/8 है तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 7/8 इनटू 35, तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया 7/8, तो 1 इज इक्वल टू ये 35 ऊपर नहीं आके 35 क्या होंगे नीचे होगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये 1 इज इक्वल टू 1/ क्या हो गया 40, यहाँ तक समझ गया, 1 इज इक्वल टू 1/40 हो गया, तो सबको 1/40 से यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये तो एक्स्ट्रा मिला हुआ है प्लस, तो ये हो जाएंगे, तो अब सब में 40 सब में हो जाएंगे क्या, अब देख रहे हैं बस इसका रेशियो निकाल लो इसका, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एलसीएम तो 40 हो जाएंगे और 8 5 प्लस 8 मिलकर 13 हो जाएंगे, अब सब में ये 40 सब में कॉमन है, तो सब हो गया, तो ए बी सी का रेशियो अब निकल गए 13:11:16 क्या हो गया 16। अब कहता है ए को मिलता है कितना 390, तो ए का रेशियो क्या है, ए का रेशियो 13 है, तो ए का रेशियो ए इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 390 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 30 हो जाएंगे, तो ऑल टुगेदर पूछ रहा है सब मिला के टोटल कितने होंगे, सब मिला के टोटल कितने हो जाएंगे, तो सब मिला रहे हो तो सब मिला के कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं, तो 40 गुने 30 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1200। क्लियर है, एक बार फिर से समझाना या तो समझ, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा बता चुके थे लेकिन वो थोड़ा सिंपल थे, इसमें थोड़ा सा डाटा ज्यादा है, एक बार फिर से चर्चा कर दूं क्या? बिल्कुल कर देता हूँ, ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो ना ए बी एंड सी, ये 1/8 यू ही ले लिया है, कौन ए, बाकी जो पैसे बच गए हैं तो इस रेशियो में 24:33:48 क्या है 48, तो सब में 3 कॉमन है तो ये 8:11 एंड कितने हो गए 16, इस रेशियो में बाकी पैसे बच्चों को ले लेगा, तो ऑल टुगेदर 35 हो रहा है, 35 इज इक्वल टू ये 1/8 हो गया था तो रेस्ट कितना बचा 7/8, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 निकालना हो तो ये 35 नीचे चले जाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/40, 1 इज इक्वल टू 1/40 हो गया, तो सबको 1/40 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे, बाय 40 हो जाएंगे, लेकिन ये दो पार्ट में है तो दोनों को ऐड करेंगे तब ना एक होगा, ये तो दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 30/ क्या हो गया 40, अब 40 सबका एलसीएम लेके सबको 40 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ए का अब फाइनल बच गया 13, बी का 11 और सी का कितने 16, इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब ए इज इक्वल टू 13 है तो सब मिला के कितने हो रहे हैं 40 हो रहे हैं, तो 13 इज इक्वल टू 390 दिया हुआ है तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 30, तो 1 इज इक्वल टू 30 तो 130 के बराबर है, तो 40 × 30 कितने हो जाएंगे 1200, जो भी सारी बातों को हमने बता दी आपको, क्या क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा डाउट होगा तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, 35 बनाए हो ना 200 35 का आंसर क्या है 200 कोई डाउट है क्रिका बताने हो? नो सर। यस अच्छा यस सर, कोई बात नहीं, ए बी एंड सी स्टार्ट जॉइंटली पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंड सी jointly start किया, in which A invest half of capital for 1/3 time, ये total पैसा अगर 1 होता तो 1 में से half capital A invest करता है, total 1 साल होता तो 1/3 year के लिए करता है, B invest 1/3 capital for 1/4 time and C invest rest capital for total time,
तो रेस्ट कैपिटल कैसे निकलेगा? तो रेस्ट कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर वन टोटल था, वन में से वन बाई टू ए ने इन्वेस्ट किया है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, वन बाई थ्री, तो ये दोनों मिलाकर फाइव बाई सिक्स इन्वेस्ट किया है, तो रेस्ट वन माइनस फाइव बाई सिक्स कर देंगे तो रेस्ट कितने बच जाएंगे, वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स रेस्ट कैपिटल कौन इन्वेस्ट किया, सी क्वेश्चन में लिखा हुआ, और टोटल टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। इतना बात समझे कि नहीं समझे सब लोग, मेन यही समझना था। अब मेन यही काम करने थे, रेस्ट निकालने थे। अब यहाँ पर देख रहे हो टू थ्री का एलसीएम सिक्स हो रहे हैं, ट्वेल्व हो रहे हैं, सिक्स हो रहे हैं, तो सब का एलसीएम ले रहे हैं तो ट्वेल्व हो रहा है, ट्वेल्व को मल्टीप्लाइड किए तो ये सिक्स है तो ये क्या बच गया, टू, ये क्या बच गया, ट्वेल्व है तो वन, और ये क्या है, सिक्स है तो ये क्या हो गया, टू, तो टू इज टू वन इज टू टू रेस्ट फाइनल बच चुके हैं, इसी रेशियो में सबको टोटल प्रॉफिट मिलेंगे, तो टोटल प्रॉफिट है फाइव, रेशियो में फाइव का सम है, बट टुगेदर यहाँ क्वेश्चन में क्या दिए हुए, वन थाउजेंड, तो 5 इज इक्वल टू 1000 हो गए, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 200. अब किसका पूछ रहा है इसमें, तो फाइंड द शेयर ऑफ बी पूछ रहा है, बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर, तो ये बी कौन है, ये है, तो बी का शेयर तो 1 ही है, और 1 इज इक्वल टू 2000 है, तो 1 इज इक्वल टू भी क्या होंगे, 2000 है, और सॉरी 200 है, हाँ 1000 नहीं, 1 इज इक्वल टू 200, तो 1 इज इक्वल टू भी क्या होंगे, 200. क्लियर है, जिनका भी डाउट था समझ में आ गया या फिर समझा, क्लियर, बहुत अच्छी बात,